Hello everyone, welcome to Abhyas 2.0, your way to HCS 2024. So my name is Dipali Kakkar and I welcome you all on Abhipedia. ठीक है, तो ये आप देख के समझ गए होंगे कि हम अभ्यास 2.0 जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज 2024 के लिए, ठीक है, एक स्पेशल जो है प्रिपरेशन बैच, एक जर्नी शुरू कर रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके. ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में मैं और बताऊंगी एंड में, राइट. उससे पहले हम चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ. ठीक है, तो सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड आज मैं आपके साथ जो है करंट अफेयर्स के सेशन के लिए जुड़ी हूँ. ठीक है, सो करंट अफेयर को, जो भी करंट अफेयर हमारे HCS एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको कवर करने वाले हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सेशन को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कहाँ से कवर करना है, राइट. सो उस कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स, टॉपिक्स या थीम्स जो करंट अफेयर्स में से काफ़ी देखे गए हैं, उनको लेके आए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, आप एक बार जाके सारे जो हैं, ठीक है, 2022 का जो HCS था, एक बार उसका प्रीलिम्स देखिए. ठीक है, 15 एटलीस्ट स्कीम्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हैं. ठीक है, 8 स्कीम्स तो दो ही क्वेश्चंस में कवर हो गई. ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके. ठीक है, पीएम कुसुम योजना हो गई. ठीक है, कृषि सिंचाई योजना हो गई. बहुत सारी, ठीक है, जो योजनाएं हैं वो पूछी गई थी लास्ट ईयर में. एंड करंट अफेयर का मोस्ट डोमिनेंट टॉपिक जो रहा था वो गवर्नमेंट स्कीम रहा था. एंड हम प्रीवियस ईयर क्यों देखते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs, टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, डिमांड्स, राइट, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो उसको समझने के लिए ही हम PYQs देखते हैं. और अगर हमारा रीसेंट एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस ट्रेंड को ध्यान में रख के ही अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करें, राइट. सेकेंड, कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स की भी जो है बात की गई थी. ठीक है, एक मुस्कान इनिशिएटिव, ठीक है, उससे पहले पूछा गया था जो कि मेंटल हेल्थ को लेके है. ठीक है, इसी तरह फास्टर पोर्टल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था, ऐसे ही डिजिटल गवर्नमेंट पोर्टल्स भी जो हैं ये न्यूज़ में रहे थे, इनके ऊपर भी जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. ठीक है, दिस थीम्स आर अ डायरेक्शन टू यू, आ वे टू डायरेक्ट यू कि करंट अफेयर में कौन सी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट. थर्ड, इंटरनेशनल बॉडीज. ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर, WHO के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कोविड के कारण, राइट. तो ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं रिसेंटली. ठीक है, इंडिया जो है G20 की अभी क्या रही थी, इंडिया के पास क्या है लीडरशिप, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा थीम हो जाता है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हम आपके साथ थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टाइम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस वे से करंट अफेयर को आपको अप्रोच करना है. ठीक है, G20 को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख के कवर करना होगा. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. 15 स्कीम्स मैं मेंशन कर रही हूँ कि पूछी गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं. और हमारे इन सेशंस में हम इन स्कीम्स को कवर करते हुए चलेंगे. जो हमने ये सेशंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ये सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर से, PIB से, राइट. सो कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका कवर नहीं होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थीम्स हैं, ठीक है, उनको हम अपने इन सेशंस में कवर करते हुए चलेंगे, राइट. थर्ड, हम बात कर लेते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, स्क्वाड्रन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको देख के चलने हैं. स्पोर्ट्स, आई वुड से फॉर द HCS यू कैन नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स, क्योंकि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में, हरियाणा के प्लेयर्स बहुत जो है आगे होते हैं. हमने देखा है हमारे हरियाणा से बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हम बोलेंगे स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आते हैं. ठीक है, इतनी जो है रिकॉग्निशन, ठीक है, रिस्पेक्ट, फेम मिलती है हरियाणा के प्लेयर्स को. तो उसके रिगार्डिंग, उनकी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, उनके होम टाउन्स को लेके, उनके अवार्ड्स को लेके करंट में जो कुछ चल रहा है वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पद्मश्री, नोबेल प्राइसेस. ठीक है, साइंस जो अवार्ड्स होते हैं, ये सभी अवार्ड जो हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस ट्रेंड्स में देखे गए हैं, सो यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स एज वेल. ठीक है, साइंस एंड टेक, तो बेसिकली, ठीक है, UPSC और HCS में एक डिफरेंस ये देखा गया है कि साइंस एंड टेक के जो बेसिक बेस के क्वेश्चन हम बोलते हैं जिसे, ठीक है, जो NCERT से बेस्ड रहते हैं काफ़ी, ठीक है,
फाउंडेशनल वो क्वेश्चन एचसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे यूपीएससी में नहीं होता है। यूपीएससी में मोस्टली करंट को टारगेट करते हैं, बट साइंस एंड टेक भी इस बार इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर लिया है, आदित्य L1 मिशन गगनयान के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी अगर इसरोज अचीवमेंट कर रहा है, AI जो है अब न्यू आ गई है टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दीज एज वेल, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द करंट अफेयर्स, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको एक बार जाके जो है अपने प्रीवियस ईयर के अपने HCS के एग्ज़ाम्स को ज़रूर एक बार डू चेक देम आउट, ठीक है, एक बार उनको अटेम्प्ट करके देखिए कितने क्वेश्चंस की क्या रेश होती, एंड यू विल फाइंड कि ये सारे जो थीम्स हैं आपको उन क्वेश्चंस में मिलेंगे। सो आपको एक अच्छे से डायरेक्शन मिल जाएगी, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि येस वी हैव टू प्रिपेयर इट दिस वे ओनली, हमें इसी तरह से ही इसको प्रिपेयर करते हुए चलना है। सो लेट अस बिगन विद आवर सेशन, ठीक है। सो MCQ बेस्ड सेशन रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपको इनको ध्यान से कवर करना है, एंड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी उसको भी आपने कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए चलना है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, राइट। सो लेट अस बिगन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्स, ठीक है, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ठीक है। सो ये क्या है, एक इनिशिएटिव है एक मिनिस्ट्री का, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में है क्वेश्चंस, ओके, इन माय सेशंस, ठीक है, आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट यू नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एज वेल। क्वेश्चंस में भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करूँ कि 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ठीक है, कौन सी किस कंटेक्स्ट का जो है एक इनिशिएटिव है, क्या ये स्वच्छ भारत मिशन का है, ये क्या ये स्मार्ट जो सिटी मिशंस है, क्या ये ग्रीन बिल्डिंग का इनिशिएटिव है, ठीक है, या एनर्जी सेविंग का कोई कंसेप्ट है, ठीक है। एनर्जी सेविंग अगर मैं ले आऊँ तो आप सोच सकते हैं कि हाँ 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैन बी एन एनर्जी सेविंग कंसेप्ट एज वेल। तो क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है कि 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ जो है ये इनिशिएटिव है पार्ट ऑफ द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, ठीक है। सो ऐसे ही इन सेशंस में आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस में जो आपको फैक्ट्स मिलते हैं एक तो उस पर फोकस करना है, करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, कहीं पे नॉट लिखा है, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान देते हुए आपने कवर करना है। एग्ज़ाम के हिसाब से ही अपने आप को जो है अपना माइंड लेके बैठना है कि हम एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का, ठीक है। ये कैंपेन जो है, ठीक है, ये ट्रिब्यूट किसको देता है, इट पेज ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ नेशन दैट इज़ महात्मा गांधी, ठीक है। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है कब होती है, 2nd of October, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वी ऑल नो, राइट। तो गांधी जयंती के दिन जो इनिशिएटिव है, ठीक है, ये किसने लिया था, कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गांधी जयंती है, ठीक है, सो मोस्टली काफ़ी सारी मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंदर जो श्रमदान है उसको इस साल काफ़ी प्रमोट किया गया था, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टेक्सटाइल, ठीक है। बट ये जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, 1 तारीख 1 घंटा एंड 1 साथ, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव था, ठीक है। सो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल है कि हाउ यू हैव टू बी अटेंटिव इन द सेशंस, क्लियर है। सो 1 तारीख 1 घंटा एंड 1 साथ इज पार्ट ऑफ द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, उनके जो मिनिस्टर है श्री गिरिराज जी, उन्होंने ये जो इनिशिएटिव है इसके अंडर जो है 1 घंटा श्रमदान किया था। नाउ व्हाट इज मेंट बाय श्रमदान, ठीक है, ये चीज़ें हमें मेंस में काम आएंगी, ठीक है। सो अपना माइंड जो है कहीं ना कहीं आपको अटेंटिवली चीज़ों को ग्रैब करते हुए चलना है। श्रमदान के अंदर जो है हम इसको मेंस में एज एग्जांपल ले सकते हैं, एक सोसाइटी, हाउ अ सोसाइटी कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट क्लीनिनेस, राइट। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द DMFs, ठीक है। अब DMFs क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड बनते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है। सो DMF के लिए कौन सी स्कीम जो है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो लेके आती है कि किस स्कीम के अंदर DMF को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स टू एमेलोरेट, ठीक है, ख़त्म करने के लिए माइनिंग्स के जो अफेक्ट हो रहे हैं टू पर्सन, ठीक है,
तो जो इफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग के, नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं टू पीपल लिविंग देयर, ठीक है, जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं जहाँ पे माइनिंग होती है उनको नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनिंग से कहीं ना कहीं जो है वाटर भी पोल्यूट होता है, ठीक है, माइन कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर रेन आएगी तो वहाँ पे वो जो माइनिंग से मिनरल्स आए थे वो अब वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में जो है लीच कर जाएंगे, राइट। सो इस तरह के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है माइनिंग के देखे जाते हैं टू द डिफरेंट पीपल रिजाइडिंग देयर, एंड उन्हीं जो इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए कि कहीं ना कहीं जो ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं माइनिंग के उनको ख़त्म किया जाए, तो एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड बनाया जाता है जिसको हम DMF बोलते हैं सिंपली, ठीक है। तो इस फंड को किस स्कीम के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री खदान क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री खनिज एवं खदान क्षेत्र कल्याण योजना, या फिर प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की करंटली सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। और ये अक्टूबर में अभी न्यूज़ में थी, ठीक है, अभी ये न्यूज़ में थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, ठीक है, ये स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ये इंपॉर्टेंट स्कीम न्यूज़ में थी बिकॉज रिसेंटली जो है, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि 82,000 करोड़, ठीक है, का जो टोटल फंड है अंडर द DMF इसको कलेक्ट किया गया था अप्रॉक्सीमेटली 644 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जहाँ जहाँ भी माइनिंग की जाती है, ठीक है, इस स्कीम को क्या है इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। सो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, एंड इसकी जो अदर जो हमारी टर्म्स हो जाती हैं वो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, ठीक है, सो अंडर द माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर माइनर्स को क्या है कंपल्सरी किया गया है कि उनको 30% रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, वो 30% रॉयल्टी पे करते हैं अगर उनको किसी रीजन के अंदर वो माइनिंग कर रहे हैं, एंड ये 30% रॉयल्टी देन जाती है अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ठीक है। सो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो आगे होती हैं ये कोशिश करती हैं कि जो भी, ठीक है, लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट को सोशली या हेल्थ के परस्पेक्टिव से टू ऑल द रेजिडेंट, वहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी या तो हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उनकी सेहत के ऊपर कोई गलत इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट वातावरण के ऊपर कोई गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या उनकी किसी भी तरह से अगर ये, ठीक है, इन्वायरमेंट को जो माइनिंग है अगर वो इम्पैक्ट कर रही है, तो इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को जो है उस सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। सो याद रखिए कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है, एंड इसी के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट स्कीम थी जिसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी अगेन आई एम रिपीटिंग अक्टूबर में भी ये न्यूज़ में रही थी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेट अ सेकेंड। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, ठीक है, वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अक्टूबर की, अगेन जो आज की हमारी सभी न्यूज़ हैं ये अक्टूबर को टारगेट करके हमने ली हैं, राइट। सो एक जो है इनिशिएटिव लिया गया था MIT के द्वारा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एम्पावर द कंज्यूमर्स, ठीक है, किस चीज़ में अवेयरनेस जनरेट करनी है, डिसेप्टिव ऑनलाइन प्रैक्टिसेस नॉन एज डार्क पैटर्न्स, ठीक है। तो एक और चीज़ है अगेन न्यूज़ में रहा था कि रश्मिका मंदाना जो एक काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, तो AI के जो यूज़ से उनकी जो इमेजेस हैं कहीं ना कहीं एक वीडियो ही बिल्कुल उनकी सेम जो है फेस को यूज़ करके बना दी गई थी, ठीक है। सो इतनी सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस जनरेट करने की भी अभी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे AI जो है, ठीक है, इसकी जो हम बोल सकते हैं प्रोलिफरेशन जो है, ठीक है, इसका यूज़ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, ठीक है, एक हैकाथॉन, एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था बाय MIT, ठीक है। तो क्या वो इनिशिएटिव था, राइट। सो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023, डार्क पैटर्न अवेयरनेस कैंपेन, डार्क पैटर्न डिटेक्शन टूल, या फिर डार्क पैटर्न रेगुलेशन पॉलिसी, ठीक है जी। सो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव लिया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, राइट। सो द आंसर वुड बी ए, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2020।
2023, राइट। सो इस हैकाथॉन की थोड़ी सी बात करते हैं। सो मिनिस्ट्री ने इसके अंदर क्या लॉन्च किया है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, हैकाथॉन जो है ये लॉन्च किए जाते हैं कि कोई इनिशिएटिव जो हमारा इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपना दिमाग चला के आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो है वो निकालने हैं, ठीक है। सो विद द पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऑफ IIT पीहू, सो ये जो हैकाथॉन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसमें जो है डार्क पैटर्न्स को लेके ना सिर्फ अवेयरनेस जनरेट की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस ने एक पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी लॉन्च किया था, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसके ऊपर जो है जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है न्यू इनिशिएटिव लाने के लिए ये हैकाथॉन कंडक्ट किया गया था, ठीक है। सो याद रखिएगा कि डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंडक्ट किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट। इसको भी हमें क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन देखिए, भारत NCERT 2023 इज एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हम अगर बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें डोमेन देखना है, पार्टिसिपेंट्स देखने हैं कि इंडिया है या फिर उसके साथ कोई और जो पार्टिसिपेंट कंट्री है कौन सी है, क्या वो बायलेटरल नेचर की है या फिर मल्टी डोमेन की है, ठीक है, ये सब देखना होता है। तो अब इसी तरह एक न्यू एक्सरसाइज हुई है, बहुत ही नॉवल एक्सरसाइज आप इसको बोल सकते हो, एक न्यू नेचर की एक्सरसाइज की गई है, ठीक है, मतलब इसमें एक न्यू पैटर्न जो देखा गया है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज न्यूज़ में है, अक्टूबर में न्यूज़ में थी एंड इम्पॉर्टेंट है। सो याद रखेंगे हम कि भारत NCERT जो एक्सरसाइज है, ठीक है, सॉरी, सो भारत NCERT जो एक्सरसाइज है ये कौन से डोमेन की थी, मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी, राइट। सो एज आई सेड, ये काफ़ी नॉवल नेचर की, एक न्यू नेचर की एक्सरसाइज की गई है इन द डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो ये साइबर सिक्योरिटी की जो एक्सरसाइज है इसका सेकेंड जो है, ठीक है, सेकेंड एडिशन जो है रिसेंटली कंडक्ट किया गया था, ठीक है। सो नाम देख लेते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है, भारत NCERT 2023। सो कौन सी एक्सरसाइज है, ये साइबर सिक्योरिटी के नेचर की एक्सरसाइज है, भारत NCERT 2023, ठीक है। कन्फ्यूज़ करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे था, बट ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या डिस्कस किया कि जो AI है, टेक्नोलॉजी है, डार्क पैटर्न्स है, उन सबको आइडेंटिफाई करना क्या है, इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। सो उसी तरह जो है साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है, उनके थ्रेट्स को समझना, उस थ्रेट्स को हैंडल कैसे करना है, अगर कोई डेंजर है तो उसे हैंडल कैसे करना है, ये सब समझने के लिए जो ये भारत NCERT 2023 है ये कंडक्ट की गई थी। दिस वॉज द सेकेंड एडिशन, राइट, ये सेकेंड एडिशन था जो इस साल कंडक्ट किया गया था। एंड ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये 12 डेज के लिए थी। अब ये टारगेट किस चीज़ को करती है ये देख लेते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स एंड जो भी साइबर सिक्योरिटी में फिर इंसिडेंट्स होते हैं उनको हैंडल कैसे करना है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि AI जनरेटेड जो इमेजेस हैं, ठीक है, हमने रश्मिका मदाना की बात की, तो उनके लिए भी अब क्या है, एक जो हैंडल करने का वे जो है वो डेवलप कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है तो उसको आप एक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाके डाल दीजिए, वो हर एक प्लेटफॉर्म से जो इमेज है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। सो क्या हुआ, अगर एक साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आया तो उसके अगेंस्ट क्या है, गवर्नमेंट एक सोल्यूशन लेकर आई कि उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो उसी के लिए जो एक्सरसाइज है कंडक्ट की गई थी, सो दैट न्यू थ्रेट्स एंड उनके काउंटर जो हमारे क्या बोल सकते हैं सोल्यूशंस होने चाहिए उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। सो ये एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री गैदरिंग थी, ठीक है, काफ़ी सारे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स थे और उनको समझाया गया कि कैसे आप जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू आर क्लियर विद इट। सो लेट अस प्रोसीड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट, अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राइट, एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, उसका एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, वो कॉम्पोनेंट क्या है, AIBP, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अब ये जो कॉम्पोनेंट है ये इस चीज़ के ऊपर टारगेट करता है कि जो भी प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी अगर स्टेट ओन्ड प्रोजेक्ट है जिसकी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो डाउन चल रही है, उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको कंप्लीट किया जाए, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट फंडिंग जो है अपनी वो देती है, ठीक है। सो वो जो चीज़ें हैं याद रखनी है, फर्स्ट इज़ द स्कीम,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो स्कीम है, ठीक है, इसका लॉन्च आपको याद रखना है, इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है याद रखने हैं, उसमें से AIBP की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है, एक प्रोजेक्ट को अंडर द AIBP अप्रूव किया गया है, किसने, बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जो है टर्न आउट करके भी आ सकता है कि किसने जो है अप्रूव किया था, स्टेटमेंट फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे भी आ सकता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट को सो दैट उसकी फास्टर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, ठीक है। जो कॉम्पोनेंट है इस रिलेटेड जो इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का, यही टारगेट करता है कि जो इरीगेशन स्कीम्स को हम स्कीम के अंदर बढ़ाना चाहते हैं कि इरीगेशन जो है ऑल ओवर द इंडिया सब तक पहुँच पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्टली हम जो है इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो कौन से प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है, जामरानी धाम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर ज्वाइंट जो प्रोजेक्ट है विद द गवर्नमेंट ऑफ MP मध्य प्रदेश, और इंदिरा सागर ज्वाइंट प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अगेन, ठीक है जी। सो याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर है ए, जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है एंड इट टारगेट्स कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो उत्तराखंड एंड यूपी उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज तक जो है वो इजीली पहुंच पाएँ, इसीलिए जो जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, राइट। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में और देख लेंगे। सो जैसे कि मैंने बताया जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके साथ कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है, ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस को ध्यान से साथ साथ याद करना है, ठीक है। सो अब सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी, 90% जो है वो सेंट्रल इसमें अब जो है कंट्रीब्यूट करेगा फंड्स को, 10% जो है वो स्टेट करेगी, राइट। एंड इट इज़ टारगेटेड कि इस प्रोजेक्ट को मार्च 2028 तक जो है क्लियर कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड इससे जो है देखिए, ठीक है, किन किन एरियाज तक, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है, उत्तराखंड के रामपुर बरेली ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, इट इज़ टारगेटिंग कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो रीजन्स हैं उन तक भी इरिगेशन पहुंचे, ठीक है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इन ऑल दीज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, सो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट साथ में आपके इंक्लूड कर दी हैं सो दैट आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखें, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि इस प्रोजेक्ट में अब गवर्नमेंट की कितनी हो गई है कॉन्ट्रीब्यूशन, 90%, स्टेट की है 10%, मार्च 2028 तक टारगेट किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट को क्लियर किया जा सके एंड उत्तराखंड एज वेल एज उत्तर प्रदेश को जो है इरीगेशन फैसिलिटीज़ पहुँचाने के लिए प्रोजेक्ट जो है इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो है अप्रूव किया गया है, ठीक है, बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्कीम एज वेल। सो लेट अस प्रोसीड टू आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपके लिए, ठीक है, हमने जो न्यू एयरफोर्स का इंसाइन है वो भी इंक्लूड कर दिया है, जिसको आपने ध्यान में रखना है, राइट, सॉरी, ठीक है जी। सो कंटिन्यू करते हैं कि एक न्यू एयरफोर्स का इंसाइन, ठीक है, जो क्रिएट किया गया था कि बेटर रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इंडियन वैल्यूज़ को, ठीक है, इसको अभी रिसेंटली 2023 में ही जो है अडॉप्ट किया गया है। कौन सी डे को जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। सो एयरफोर्स का साइन आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करने वाली है, जो हमारा पहला साइन था वो कहीं ना कहीं हमारी जो कैद थी, ठीक है, जो इसको हम बोल सकते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे उसको रिफ्लेक्ट करता था, उनका उसमें फ्लैग था। अब हमने इसमें हमारा इंडिया का, ठीक है जी, इंडिया का जो हमारा इसमें फ्लैग है वो इंक्लूड कर दिया है, हिमालयन ईगल है, राइट। हिमालयन ईगल जो रिफ्लेक्ट करता है कि एयरफोर्स जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है। भगवत गीता में से जो एयरफोर्स का लोगो है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। सो लोगो को भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड वाली न्यूज़ भी है, तो इसको भी आपने याद रखना है। एंड विद द लोगो, विद द इंसाइन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन फ्रंट ऑफ यू, आई थिंक इट इज़ easier for you to remember, ठीक है जी। सो अब इसको कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था, 8th October, 9th, 10th, 11th, ठीक है। आई वुड से इस तरह से डेट में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जिस जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए एचसीएस में वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो बोलेंगे कि अ न्यू एयरफोर्स इंसाइन हैज़ बीन अडॉप्टेड ऑन द डे ऑफ एयरफोर्स डे, राइट। सो ये अगर आपको स्टेटमेंट पूछी जाएगी अबाउट द एयरफोर्स इंसाइन, दिस स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। इस वे में आपसे एचसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एयरफोर्स डे जो होता है 8th October को होता है,
ठीक है. सो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑन द 8th अक्टूबर दैट इज एयरफोर्स डे, ठीक है, अ न्यू एयरफोर्स एंसाइन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, राइट. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. उसके साथ साथ और कौन सी स्टेटमेंट आपसे पूछी जाएंगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन जो हिमालयन ईगल है, ठीक है, उसको इंक्लूड किया गया है. सो आ रिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इन सर्कल्स आ हिमालयन ईगल, तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आ सकती है. PIB की जो स्टेटमेंट्स है उसमें से डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है, राइट. उसके साथ साथ कौन सा वर्स लिया गया है अगर भगवत गीता थे, तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी और रेडियंट थाउ टचेस हैवन, ठीक है, दोनों ही जो लाइंस हैं ये इनका सेम ही मीनिंग है. तो इस तरह से स्टेटमेंट जो है आपको एयरफोर्स एंसाइन के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस न्यू एंसाइन, ठीक है जी, जो भी हमसे स्टेटमेंट पूछी जाती हैं. बाकी आप जो है PDF से बाकी भी अपना जो डाटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करके याद कर सकते हैं, ठीक है जी. सो लेट अस मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं. What is the name of the link, ठीक है, that will connect the young individuals with the government and the citizen under the MY Bharat platform, ठीक है. So again, October का एक बहुत ही important government initiative, ठीक है, that is मेरा युवा भारत, ठीक है. So मेरा युवा भारत जो है, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है this to be an autonomous organization. अगेन इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, इज इट इज़ अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट्यूटरी, ठीक है. तो याद रखेंगे ऑटोनॉमस है. अब ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उसका इतना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है इसके वर्क्स को ओवरसी कर सकती है, ठीक है. तो मेरा युवा भारत के अंदर क्या किया गया है कि जो इंडिया का यूथ है, ठीक है, जिसको हम कहीं ना कहीं अब टेक से भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है, तो जो इंडिया का युवा है उसको कैसे हम टेक्नोलॉजी उसकी जो है उसकी नॉलेज को हम जोड़ सकते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, जो गवर्नमेंट्स उनके लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही है, जो गवर्नमेंट्स उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दे रही है, उनके साथ कैसे जोड़े सो दैट जो हमारा इंडिया है इस युवा की ताकत के साथ आगे बढ़े, ठीक है. तो याद रखेंगे कि मेरा युवा भारत जो है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करेगा युवा को विद द गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है ना. सो ये जो है इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में काफ़ी न्यूज़ में थी, ठीक है. इसमें पूछा गया है कि उस लिंक को क्या नाम दिया गया है इस स्कीम के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि जोड़ेगा गवर्नमेंट को सिटीजन्स के साथ, ठीक है, युवाओं के साथ, ठीक है, युवा शक्ति, युवा सेतु, युवा सक्षम या फिर युवा समर्थ, ठीक है. सो करेक्ट आंसर याद रखेंगे बी युवा सेतु, ठीक है. ये सारी ही चीज़ें मेरा युवा भारत को लेके आपने ध्यान में रखनी है. इनमें से अगर कोई भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, किसी भी स्टेटमेंट को आपने जो है बिल्कुल भूलना नहीं है. कंसेप्ट समझिए कि मेरा युवा भारत टारगेट किसको करता है, कि जो इंडिया का युवा है, जो भारत का युवा है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी के साथ हमने रीच बढ़ानी है सो दैट वो अपने जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है, उत्तम यूज से उत्तम ढंग से उनका प्रयोग कर सके और इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, ठीक है. एंड इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एंड जो लिंक क्रिएट किया जा रहा है इसको नाम दिया गया है युवा सेतु. क्लियर है जी, आई होप यू आर क्लियर. सो लेट अस प्रोसीड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक आपके लिए. अ ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस, ठीक है, नो. एन इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन, नो. अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय चाइना एंड अ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. सो आई होप यू ऑल नो कि आंसर हमारा है सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें जो चाइना है अपने जो एंशियंट ट्रेड रूट्स, जो सिल्क रूट्स हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना चाहता है, ठीक है. और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड के साथ साथ चाइना ने डेट ट्रैप्स भी, ठीक है, अपने जो ऋण में काफ़ी देशों को डुबा के उनके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी हड़पाए, ठीक है. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपने जो है इतना ही ध्यान में रखना है कि ये चाइना का प्रोजेक्ट है एंड बाकी इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आई होप यू आर वेरी वेल क्लियर विद, राइट. नहीं है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके ऊपर भी और डीप जो डिस्कशन है वो करेंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, ठीक है. सो मैंने बोला था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपने जो है ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड जो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रिपोर्ट्स, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिपीटेटिव थीम ऑफ द करंट अफेयर्स, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम रहता है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो करेक्ट आंसर है सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसको 1974 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में, ठीक है। ये जो एनर्जी एजेंसी है अब ये टारगेट करती है कि कहीं ना कहीं हम ध्यान रखें कि जो वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स हैं क्या वो सस्टेनेबली पूरी हो रही हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस था 73 में, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। सो रिसेंटली जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आई है, ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों थी इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि आने वाले 3 दशकों में इंडिया जो है वो लीडिंग, ठीक है, डिमांड लीडिंग होगा इन द डिमांड ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट इंडिया इतनी कर रहा है, सो इन द कमिंग 3 decades इंडिया विल बी द हायर, ठीक है, जो कंज्यूमर होगा ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। इसलिए जो रिपोर्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, और उसकी कुछ स्टेटमेंट्स को भी आपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन फॉर द वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ने क्या है 3 साल के लिए, फॉर द 3 years, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है अगेन पर्सनैलिटी को क्या है वोटर अवेयरनेस के लिए, वोटिंग के लिए, ठीक है। इंडिया में क्या है, हमें वोटिंग के रुझान बढ़ाने हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट रूल है वोटर पार्टिसिपेशन, ठीक है। जितने लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही डेमोक्रेसी हेल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं फिल्म स्टार जो है उनको अप्रोच किया जाता है उनकी फेम के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कौन से जो एक्टर हैं उनको रिसेंटली नेशनल आइकन, ठीक है, अपॉइंट किया गया है फॉर द वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बाय द इलेक्शन कमिश्नर। सो द आंसर इज ए, राजकुमार राव, ठीक है। तो रिसेंटली राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है, और याद रखना है आपने क्योंकि बार बार ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, पहले काफ़ी देर जो है अक्षय कुमार भी रहे हैं, तो पुराना सोच के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रिसेंट ही ये डेवलपमेंट है अक्टूबर 2023 की, ठीक है, कि राजकुमार राव को 3 साल के लिए जो है इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है फॉर द वोटर अवेयरनेस एंड इलेक्शन एजुकेशन, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड फॉर दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। ऐसे ही हम अपने अगले सेशंस लेके आएंगे जिनमें और HCS के रिगार्डिंग हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। बट वेट, देर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द HCS एस्पिरेंट्स, जिनको भी ये एग्ज़ाम टारगेट करना है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट इज़ कि अभिमन्यु IAS जो है जो रिपीटेड रिजल्ट्स लेके आता रहता है, ठीक है, HCS में हमारे रिपीटेडली 1st, 2nd रैंक आए हैं, लास्ट टाइम भी, ठीक है, 21+ सेलेक्शंस थी, उससे पहले 47+ सेलेक्शंस थी। सो अगर इस साल आप भी इस सिलेक्शन रेट का पार्ट बनना चाहते हैं, वी आर ब्रिंगिंग अ फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, HCS प्रीलिम्स का जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है हम ये लेके आए हैं, जिसमें आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। सी सेट में आजकल काफ़ी बच्चे जो है डर जाते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, आप जुड़िए हमारे सर के साथ, जो बहुत ही इजी वे में आपका सी सेट का सारा डर खत्म कर देंगे, ठीक है। आपके रिवीजन क्लासेस मिलेंगी आपके लिए, स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक, ठीक है, आप 75-day चैलेंज बोल सकते हैं, स्पेसिफिक 75-day प्रीलिम फोकस बैच जो है आपके लिए लॉन्च किया गया है, और ये बैच आज से ही जो है शुरू हो रहा है। दिस बैच इज़ अवेलेबल इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मीडियम, तो कोई भी अगर चाहता है, ठीक है, कि अगर हमें ऑनलाइन ही करना है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल टू डिलीवर ऑल द ऑनलाइन लेक्चर्स एज वेल, ठीक है, सो दैट कोई भी जो अपना सपना पूरा करना चाहता है वो इस जर्नी में पीछे ना रहे, ठीक है जी। सो सिर्फ 35,000 में आपको मिल जाएगा, एंड फॉर मोर डिटेल्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे क्या है जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ज्वाइन दिस प्रिलिम फोकस फास्ट ट्रैक बैच फॉर HCS 2024, राइट। So I hope you are clear with all the things that we have learned in this session. And that is it for today. Thank you and keep learning. See you in the next session. Thank you.